हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू चार दस विषय हिंदी पार्ट चार मैथिल सड़क तो पार्ट का नाम मनुष्यता। पार्ट का क्या नाम है? मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद न करे। कल मैथिल सड़क जी कहते हैं विचार कर लो, मनुष्यता है मानव, विचार कर लो यदि मृत्यु है तो मृत्यु से कभी डरो मत, मरो परंतु यो मरो को याद जो करे कभी, याद जो करे सभी। मरना है तो इस प्रकार की मृत्यु से मरो जो आपको सभी याद करे, अर्थात दूसरों के लिए ऐसे कार्य करके जाओ, ऐसे कार्य करके जाओ जिससे कि सभी आपको याद करे। कहने का जिनसे तब कहता है कि जो मनुष्य तय कर ले तो वह न तो मृत्यु से डरेगा और न ही मरणशील होगा और ऐसी मृत्यु पाएगा कि जिसे सभी याद करेंगे। हुई नहीं हो सुमृत, हुई नहीं हो यानी ऐसी न हुई, सुमृत माने अच्छी मृत्यु, तो मृथा मरे प्रथा की, इस प्रकार की मृत्यु नहीं हुई तो मानव ने व्यर्थ में जन्म लिया और व्यर्थ में मर गया बेकार, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, वहां यहां कोई मीन्स नहीं था। मरा नहीं बल्कि जो जिया ना आपके लिए, यानी ऐसा व्यक्ति, यहां मनुष्यता में कहा गया है कि जो दूसरों के लिए नहीं जिया, जो जिसने अपने लिए तो सभी करते हैं, जो दूसरों के लिए कोई कार्य नहीं किया, जो ऐसा कोई काम नहीं किया, जो दूसरों के लिए नहीं किया वह क्या किया? जैसे वही पशु प्रवृत्ति है कि आप नहीं चले, वैसे ही पशु की आदत होती है, प्रवृत्ति होती है, पशु स्वयं अपने लिए चलता है, अपने लिए चलता है। वो मनुष्य पशुओं के समान होते हैं, जो मनुष्य स्वयं के लिए जीता है वो पशुओं के समान होते हैं, अर्थात पशुओं की आदत होती है कि स्वयं अपने अपने लिए ही चलते हैं, यानी पशु केवल अपने लिए ही चलते हैं, वह मनुष्य भी उन्हीं के समान जिया, उसने जो भी जिंदगी यापन की, जीवन यापन किया वह पशु के समान ही है, लेकिन मनुष्य वही है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात कहने का मीन है कि मनुष्य वही है जो औरों के लिए जिए और मरे। आगे देखते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखान की, उसी उदार से धरा करदार भाव मान। कहने का मीन है कि जो उदार व्यक्ति होते हैं, जो उदार व्यक्ति होते हैं सरस्वती माँ उन्हीं का बखान, और जो उदार व्यक्ति होते हैं धरावी पृथ्वी उन्हीं का प्रताप मानती है। कवि मैत्री सरस्वत कहते हैं कि जो उदार व्यक्ति होते हैं सरस्वती उन्हीं का बखान करती है और पृथ्वी भी उनका प्रताप। उसी उदार की सदन सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त शस्त्र पूजती, और उसी की मधुर वाणी में कीर्ति पूजती है और सारी सृष्टि उसी का पूजन करती है। किसका? जो उदार व्यक्ति होते हैं, अखंड भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए भरे। कब कहता है इसमें, कहने का मीन्स ये कि इस असीम विश्व में जो मनुष्य अखंड आत्मभाव भरे हुए अर्थात अपना समझे वही वास्तव में सच्चा इंसान है। अगले में क्षुद्धात रंग देव ने दिया करस्तल थार भी तथा तदीर्च ने दिया परार्थ अस्त्र जा।
ने स्वमास दान भी किया, सैर सबीर कर ले शरीर चंद भी किया, अनंत देह के लिए अनाथ जीव क्या डरे, वही मनुष्य देह के लिए मनुष्य के लिए क्या मरे। क्षुतार्थ, क्षुतार्थ माने भूख से व्याकुल, रक्त देव माने रक्त देव ने, कर माने हाथ, स्थल यानी कर स्थल माने अपने हाथ से, थाल माने थाल भी। कहने का मतलब है कवि मैत्री शरण कहते हैं कि भूख से व्याकुल रक्त देव ने अपने हाथ से भोजन का थाल भी काटने के लिए, और दूसरों की भलाई के लिए परोपकार के लिए दबीच ने अपने हड्डियों का जाल का दान में दे दिया था। उसी नगर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, उसी नगर के राजा ने अपने मांस का भी दान किया था। सैर वीर कर्ण ने, सैर माने बड़ी खुशी के साथ, वीर कर्ण ने अपनी शरीर चम लिया, अपने शरीर की चमड़ी दान में दे दी, अनंत देह के लिए अनाज दी। इस कवि कह रहे हैं कि हमें इस तरह दानशील बनना चाहिए, ये अनंत देह है, ये मरणशील शरीर है, इसके लिए हमें क्या डरना चाहिए, ये किसी भी कार्य के शरीर नहीं है, कहने का भी ये है, और इस शरीर को से क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दानवीर हैं उनका वर्णन किया गया है कि भूख से व्याकुल रक्त देव ने अपने हाथ से भोजन का थाल दे दिया था, जो भूख से व्याकुल थे तबीर्च ने अपनी हड्डियों का यानी अस्थियों का जाल दे दिया था, और उसी नगर के क्षितीश महाराज ने अपने मांस को भी दान किया था, कर्ण ने अपनी क्या है शरीर की चमड़ी को भी दान दे दिया था। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, कहने का मीनस ये है कि हमें दानशील बनना चाहिए, हम तभी सही मायनों में सच्चे मनुष्य कहलाएंगे, और मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरे और जिए। आगे के वीडियो में थैंक यू।